हेलो एवरीवन इस वीडियो में एफ को देख लेते हैं 408 जीरो एट के लेल पर स्टॉक चल रहा है इससे रिलेटेड आप लोगों के कई सारे डाउट आ रहे हैं क्या इसमें ब्रेकआउट हो गया है क्योंकि ये स्टॉक भी टेक्निकल को बहुत अच्छा फॉलो करता है फाइनेंशियल इसके अच्छे चल ही रहे हैं आपने देखा होगा 109 करोड़ की नेट सेल्स थी अभी वन हो चुकी है रिसेंट के क्वार्टर से थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला था अदरवाइज़ एबिटा आपको लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा ये फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है आप देखेंगे और टेक्निकल भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए थर्टी थ्री करोड़ हो चुका है और लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है शेयर होल्डिंग अगर हम लोग देखें प्रमोटर स्टेक सिक्सटी फाइव परसेंट है डी आई के अच्छे स्टेक हैं मतलब ऐसी कोई कमी स्टेक में देखने को नहीं मिल रही है टेक्निकल पे स्टॉक इस तरीके से चलता है मैंने बहुत बार इसको टाइम किया आपने देखा भी होगा मैंने जब पिछली बार इसको टाइम किया था ये ब्रेकआउट निकाला था स्टॉक में सही काम किया था क्योंकि ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी फाइव डेज का ई एम ए इसमें अच्छा काम करता है ये ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट थे मेट हुए अभी जो आप लोग पूछ रहे हैं कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है की बात करें ऑल टाइम हाई पे है तो काइंड ऑफ रीटेस्टिंग हो सकती है उसमें अगर स्टॉक आपका कोई बुलिश कैंडल दे रहा है तभी आप इसको रीटेस्टिंग में जो है वो कंसीडर कर पाओगे जैसे कि इस तरीके से मैं मार्क करता हूँ इसको डिफरेंट कलर में कर देता हूँ मैंने ब्लू कर दिया अभी देखिए स्टॉक इस आके इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है लेकिन कोई बुलिश कैंडल दे तब आप इसको जो है कन्फर्मेशन मान सकते हो कि यहाँ से स्टॉक घूमने को तैयार है जैसा आपका सेम जियो में हुआ था जियो फाइनेंस में स्टॉक ऊपर की साइड गया था 350 फिर 300 को उसने रीटेस्ट किया था तो अगर कोई बुलिश कैंडल देता है तब तो ठीक है ये यह स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल सकता है पर यहाँ पे मनाइए कि स्टॉक ऐसा ना कर पाए उसका कारण ये है क्योंकि इसके जो नीचे सपोर्ट आते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं अगर यही स्टॉक नीचे की साइड थोड़ा गिर जाता है और थ्री फिफ्टी के लेवल पर आता है तो आपके ट्वेंटी सिक्स डेज़ का ई काम करेगा और अगर इसके नीचे स्टॉक गिर जाए तब फिर वीकनेस दिखाएगा तो ऐसे स्टॉक में अगर थोड़ी सी फॉल देखने को मिल जाता है फोर हंड्रेड के नीचे आता है इस लेवल पे देखने को मिलता है तो पैटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा फिर आप इसमें ऊपर के टारगेट रख सकते हैं जब तक ई एम को नहीं ब्रेक करेगा तब तक स्टॉक ठीक है मुझे लगता है जो वीकनेस जाएगी वो थ्री के नीचे जाएगी और जो सपोर्ट शुरू हो जाएंगे वो थ्री के राउंड होने वाले हैं और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं तो फिर एक बुलिश कैंडल का वेट करना होगा और मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ तभी आपको इतना आसान लग रहा है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम ये वॉलीटाइल बहुत है तो उसको बेहतर होगा आप वीकली टाइम फ्रेम पर जज करिए वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैक करिए अगर इसकी क्लोजिंग नीचे जा रही है फोर के और कोई बुलिश कैंडल नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर तो फिर नीचे आ सकता है फिर तीन सौ वहाँ से सपोर्ट इसमें शुरू होंगे और फिर इस तरीके से घूम सकता है ये 330 के नीचे ही वीक होगा और ये पैटर्न इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है एफ सी एल में उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा कोई डाउट नहीं रहेंगे चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में दिस इज मी शलभ दीक्षित सानिंग ऑफ